हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ड्राई आइस। ठीक है बच्चों, मतलब सूखा आइस, ड्राई आइस। तो क्या है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन कंप्रेस टू हाई प्रेशर। आप जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस कर दोगे बच्चों, दबा दोगे, इट गेट्स कन्वर्टेड टू सॉलिड फॉर्म। ओके, तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो दिस सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो ये जो CO2 का सॉलिडिफाइड फॉर्म आपके सामने में है, इसको कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है बच्चों, एंड ड्राई आइस वी हैव टू स्टोर इन कंप्रेस्ड फॉर्म ओनली, ऑलवेज अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, आप प्रेशर कम कर दोगे टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, देन ड्राई आइस अगेन चेंजेस टू गैशियस फॉर्म विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड फॉर्म। यानी यहाँ पे सब्लिमेशन हो जाता है बच्चों, बिकॉज फ्रॉम द सॉलिड फॉर्म यू आर गेटिंग डायरेक्टली द गैशियस फॉर्म विदाउट हैविंग लिक्विड फॉर्म। इसलिए इसको कहते हैं ड्राई आइस बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिक्विड नहीं बनता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यानी थोड़ा सा स्क्रीन में नोट करिए, ये आपका कंटेनर है। ठीक है बच्चों, कंटेनर को मैंने बंद कर दिया। इसके अंदर में क्या है बताइए, ये जो मैं बना रहा हूँ ये है CO2 गैस। ठीक है बच्चों, अब मैं चारों तरफ से प्रेशर लगा रहा हूँ, यानी इसको दबा रहा हूँ। तो दबाने से क्या होगा बच्चों, अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए अंदर हो गया 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हो गया बच्चों, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर में जितने भी गैस थे बच्चों, वो बन जाएगा सॉलिड, एक लंप बन जाएगा। मान लो बच्चों, छोटे 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 लंप बन जाएंगे, तो उस लंप को क्या बोलेंगे, ड्राई आइस। ठीक है, यानी ड्राई आइस, यू नो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कूल। अब बच्चों जब आप टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दोगे, ठीक है, आपने चारों तरफ से, सॉरी, प्रेशर को कम कर दिया, यानी प्रेशर को रिलीज कर दिया, तो क्या होगा बताइए, आपका ये जो सॉलिड फॉर्म है फिर से वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वापस से आपको गैसियस फॉर्म मिल जाएगा विदाउट हैविंग लिक्विड फॉर्म। सिंस लिक्विड इज नॉट प्रोड्यूस्ड एज एन इंटरमीडिएट, वी विल कॉल दिस एज ड्राई आइस। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अबाउट ड्राई आइस। ड्राई आइस के बारे में पहली बात, सॉलिड CO2 दैट इज ड्राई आइस इन इज एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस, बहुत ठंडा रहता है बच्चों। इट इज़ यूज टू डीप फ्रीज फूड एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड। तो किसी भी फूड को डीप फ्रीज करने के लिए, जैसे मटन हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया बच्चों, या तो कोई भी फ्लैश आइटम हो गया, एंड ऑल्सो टू कीप द आइसक्रीम कोल्ड वी आर यूजिंग ड्राई आइस। ड्राई आइस सब्लाइम ऑन हीटिंग। ओके, सब्लाइम यानी इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू गैशियस फॉर्म एंड कैन बी यूज टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट ऑन स्टेज। आपने देखा होगा बच्चों, कभी कभी स्टेज में धुआं जैसा चीज़ बनता है ना, जो सरफेस में ही रहता है, सरफेस में ही तैरता रहता है, आपने देखा होगा। सो दैट स्मोकी सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड विद दी हेल्प ऑफ ड्राई आइस। तो जो धुआं जैसा चीज़ है बच्चों, वो हम ड्राई आइस के मदद से ही बनाते हैं। ठीक है, कंक्लूशन, वी कैन सी दैट द स्टेट ऑफ मैटर इज डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी बच्चों जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको टेम्परेचर और प्रेशर कंट्रोल कर सकता है। कैसे बताइए, आपको मालूम है, आप जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आपको जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाएगा और जो लिक्विड है वो गैस बन जाएगा बच्चों। जैसे टेम्परेचर को घटाएंगे सो जो गैस है वो बन जाएगा लिक्विड, और टेम्परेचर घटाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा सॉलिड। इज इट क्लियर? सेकेंडली, अगर आप प्रेशर ज़्यादा करोगे किसी भी चीज़, कोई भी गैस को कंप्रेस करोगे, यू नो दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड। तो यानी कोई भी चीज़ का जो स्टेट होता है बच्चों, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैस। तो गैस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, आपको तो मालूम है,
we have to apply pressure and we have to bring down the temperature by increasing the pressure and decreasing the temperature. ठीक है बच्चों, so atmospheric gas can be liquefied by increasing the pressure, that is compressing, and simultaneously reducing the temperature, that is cooling. Clear है बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए. इवापोरेशन आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों. इवापोरेशन क्या है ध्यान से देखिए. इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड दैट इज वाटर इनटू गैशियस स्टेट दैट इज वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. तो बच्चों आपको मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट में ही द लिक्विड चेंजेस इनटू गैशियस फॉर्म. इज इट क्लियर? लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि इवन व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट द लिक्विड कैन चेंज इनटू गैशियस स्टेट. इज इट क्लियर? सो दैट फिनोमिनन वेयर द लिक्विड इज चेंजिंग इनटू गैशियस स्टेट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन. इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखिए. सिंस इवापोरेशन टेक्स प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड इट इज कॉल्ड सर्फेस फिनोमिनन. तो बच्चों जैसे देख लीजिए, ये कंटेनर है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये कंटेनर का सरफेस है और इसके नीचे में पानी है. ठीक है बच्चों, तो आपका जो इवापोरेशन है ना ये सरफेस में होगा, यानी ये सरफेस में जो जो पानी है बच्चों, ये पानी आपका वेपर में चेंज हो जाता है. तो कौन सा पानी वेपर में चेंज हो जाता है? जो पानी सरफेस में होता है, इसीलिए इवापोरेशन को कहते हैं सरफेस फिनोमिनन. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो इवापोरेशन इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिनन बिकॉज द इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट द सरफेस. ठीक है बच्चों, आगे समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ इवापोरेशन की इवापोरेशन होता कैसा है. इज इट क्लियर बच्चों? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए. ठीक है, तो ये आपका हो गया कंटेनर, कंटेनर के ऊपर में हो गया पानी. चलिए अब देखिए बच्चों, ये सरफेस के ऊपर में क्या होगा बताइए? एयर होगा. वेरी गुड. एयर में क्या होगा बच्चों? ट्रायंगल होगा, यानी हीट होगा. करेक्ट. तो यानी द वाटर मॉलिक्यूल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब द हीट. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, वो हवा से हीट एब्जॉर्ब करते रहेंगे. एम आई राइट? और जब द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सर्फेस एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. सही बात. एंड व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस मोर देन इट ओवरकम्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो बच्चों वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टोटली ब्रेक कर देगा, नलीफाई कर देगा, कैंसिल कर देगा. एम आई राइट? सो व्हेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम जीरो, देन दिस वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट्स रिलीजिंग आउट एंड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, एंड हेंस द इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस. आया बच्चों समझ में? तो जो वाटर मॉलिक्यूल पानी के अंदर में है, नीचे में है, उनको हवा के साथ कॉन्टैक्ट में आने का मौका नहीं मिलता है बच्चों. तो हवा के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो उनको हीट भी नहीं मिलेगा, और हीट नहीं मिलेगा तो उनको काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल फ्री नहीं होंगे, तो वो लिक्विड का लिक्विड ही रहेंगे, वो गैस में नहीं बदलेंगे. यानी बच्चों समझ में ये आनी चाहिए आपको कि जो जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस में होते हैं उन्हीं को हवा के साथ आने का मौका मिलता है. दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर. तो व्हेन दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर दे कैन एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी प्रेजेंट इन द एयर. ओके, तो उनको हीट एनर्जी मिल जाता है, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और जो कहानी मैंने बताया है वैसे ही आगे बढ़ना है. ठीक है बच्चों, सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेते हैं. देखिए, द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सर्फेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एंड हेंस कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. When the heat energy absorbed is large enough to overcome the intermolecular force of attraction,
the water molecule becomes free to move and thus changes into gaseous state. ठीक है बच्चों, तो यानी जो सरफेस में है उन्हीं को हीट मिलता है, जो नीचे हैं उनको हीट नहीं मिलता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन बच्चों, द इवापोरेशन इज अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया, सराउंडिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड. तो ये चार कंडीशन याद रखिएगा बच्चों. पहले डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया. ठीक है बच्चों, देखिए सरफेस एरिया के बारे में क्या कहानी है. रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी जब सरफेस एरिया में बढ़ाऊंगा, व्हेन द सरफेस एरिया इज मोर द इवापोरेशन इज मोर, व्हेन द सरफेस एरिया इज लेस द रेट ऑफ इवापोरेशन इज लेस. समझ में आया बच्चों? तो यानी देखिए इस केस में आपका कंटेनर का जो मुंह है वो इतना बड़ा है, पानी मैंने रखा है इसके अंदर 1 लीटर, ध्यान से सुनिए. दूसरे केस में आपका कंटेनर इतना चौड़ा है और इसके अंदर मैंने रखा पानी 1 लीटर, तो किस में इवापोरेशन ज़्यादा होगा, केस वन में कि केस टू में? केस टू में बच्चों, क्योंकि केस टू में आपका सरफेस एरिया है मोर. सरफेस एरिया मोर होगा तो आपका इवापोरेशन भी मोर होगा. इस केस में सरफेस एरिया है लेस, है ना, सरफेस एरिया लेस होने से इवापोरेशन भी लेस होगा. तो यानी द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटाओगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन घटेगा. अब बात यह है बच्चों, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवापोरेशन क्यों बढ़ता है? अब देखिए सरफेस एरिया बढ़ाने से बच्चों आपको लगता नहीं है कि मोर वाटर मॉलिक्यूल विल गेट द चांस टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया ना बच्चों, इससे ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल को मौका मिल गया हवा के साथ कॉन्टैक्ट में आने का, जिसके वजह से मोर वाटर मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड ए रिजल्ट मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल चेंज इन टू वेपर स्टेट, एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन इज मोर. समझे ना बच्चों? ये तो वही बात हो गई, अगर मान लीजिए किसी बस में 4-5 दरवाज़ा है तो क्या हो गया, पैसेंजर आराम से चढ़ सकते हैं बिकॉज दरवाज़ा ज़्यादा है, है ना बच्चों? और अगर किसी बस में एक ही दरवाज़ा है तो क्या होगा, उस बस में चढ़ने के लिए भी मुश्किल होगा, उतरने के लिए भी मुश्किल होगा. तो वैसे जो सरफेस एरिया है वो दरवाजे की तरह है बच्चों, जितना ज़्यादा बड़ा दरवाज़ा होगा उतना ज़्यादा लोग अंदर आ जा सकेंगे. देख लीजिए बच्चों क्या लिखा है, व्हेन द सरफेस एरिया इज इंक्रीज मोर वाटर मॉलिक्यूल गेट द चांस टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, ड्यू टू दिस मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर एब्जॉर्बिंग इनफ हीट एनर्जी चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, दस व्हेन द सरफेस एरिया इज मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्टिंग इनटू वेपर स्टेट पर यूनिट टाइम इज मोर एंड दिस कॉसेस फास्टर इवापोरेशन. क्लियर है बच्चों? अब देखिए क्या है कहानी, नोट करना है आपको. देखिए Since evaporation is a surface phenomenon, on increasing the surface area, the rate of evaporation gets increased, and on decreasing the surface area, rate of evaporation gets decreased. ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए तभी समझ में आएगा, खाली टीचर की बात को सुनते मत रहिए. ठीक है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, why do we spread our clothes for drying? सिंपल है, कपड़े को फैला के हम लोग सुखाते हैं, हमेशा देखा होगा आपने, कपड़े को फैलाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ने से कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा. क्लियर है बच्चों? एक तो ये सिंपल आंसर हो गया. दूसरा आंसर ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन द सरफेस एरिया इज मोर मोर वाटर मॉलिक्यूल गेट द चांस टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, है ना, तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को हवा के संपर्क में आने का मौका मिल जाएगा, तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल वेपर में चेंज हो जाएंगे तो आपका कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा. देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा से देखिए, ऑन स्प्रेडिंग द क्लोथ द सरफेस एरिया इंक्रीजेस ड्यू टू दिस मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर एब्जॉर्बिंग इनफ हीट एनर्जी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चेंजेस इनटू वेपर स्टेट ड्यू टू दिस वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्टिंग इनटू वेपर स्टेट पर यूनिट टाइम इज मोर दिस कॉजेस फास्टर इवापोरेशन एंड फास्टर ड्राइंग ऑफ क्लोथ और
वी नो दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्फेस एरिया, है ना, सर्फेस एरिया. सिंस इवापोरेशन इज अ सर्फेस फिनोमिनन, ऑन स्प्रेडिंग द क्लोथ सर्फेस एरिया इंक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन फास्टर ड्राइंग ऑफ क्लोथ. ये दो आंसर है बच्चों, जो दिल में आए लिख देना, दोनों अच्छा आंसर है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. टेम्परेचर देखिए क्या है. नाउ टेम्परेचर मतलब हीट होता है, और आपको मालूम है कि आप जितना हीट दोगे आपका इवापोरेशन उतना हाई होगा. तो दैट मीन्स हीट एंड इवापोरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आप हीट को बढ़ाओगे यानी टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, आप टेम्परेचर को क्या घटाओगे तो इवापोरेशन भी घटेगा. इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्योंकि बच्चों ये टेम्परेचर मतलब क्या है, हीट है. ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हीट, कम टेम्परेचर में कम हीट, सही है ना. चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. हियर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो डिक्रीज. सॉरी बच्चों, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. When temperature of the surrounding is more, heat content of the surrounding is more. Due to this, surface water molecule absorb heat energy equal to latent heat of vaporization. क्योंकि बच्चों latent heat state को change करने में मदद करता है. तो पानी को अगर vapor में change होना है तो उनको क्या देना पड़ेगा, latent heat देना पड़ेगा. And changes into vapor state at a faster rate. क्योंकि हवा में हीट ज़्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल को जल्दी से हीट मिल जाएगा और वो जल्दी से चेंज हो जाएंगे किस में, वेपर में. और अगर हर तरफ ठंडा है, अगल बगल ठंडा है, तो वाटर मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलेगा नहीं, और हीट एनर्जी जब मिलेगा नहीं तो वो वेपर में चेंज होगा नहीं, तो इवापोरेशन भी कम हो जाएंगे. इसलिए बच्चों समर सीज़न में कपड़ा जल्दी सूखता है, और बारिश के टाइम जब ठंडा होता है थोड़ा तो कपड़ा कम सूखता है. ठीक है, दिस कॉजेस मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट पर यूनिट टाइम, दस रिजल्टिंग इन फास्टर इवापोरेशन. पर यूनिट टाइम मतलब बच्चों या तो एक सेकेंड में या तो एक मिनट में, यानी एक सेकेंड में या तो एक मिनट में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कपड़ा जल्दी से सूख जाता है. ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. देखिए नीचे क्वेश्चन आ भी रहा है कि वाई क्लोथ ड्राई फास्टर इन समर देन इन विंटर. वेरी सिंपल ना बच्चों, बिकॉज समर सीजन में टेम्परेचर इज मोर, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज मोर द रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी मोर, बिकॉज वी नो दैट रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना. So due to more rate of evaporation, the cloth dry faster. Simple. और जब अगर आप winter rainy season में आपका जो temperature है वो कम होता है बच्चों, temperature कम होने से water molecule को heat energy कम मिलेगा, जिससे वो जल्दी से vapor में change नहीं होंगे. Clear? चलिए बच्चों अब answer एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा है. During summer, surrounding temperature is more and air is less humid. Humidity फिलहाल छोड़ दीजिए बच्चों. Due to more temperature, more water molecule changes into vapor state, and due to less humidity, vapor produced easily diffuses into the air. Due to this two favorable factor, more temperature and less humidity. The rate of evaporation becomes faster, which causes faster drying of cloth. बच्चों यहाँ पे आप एक सिंपल रीजन ये भी लिख सकते थे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया आंसर, कि when in case of summer season temperature is more, सही है. When the temperature is more, rate of evaporation is more, सही है. Because we know that evaporation is directly proportional to temperature, and when the evaporation is more, डेफिनेटली ड्राइंग ऑफ क्लोथ विल बी फास्टर. एकदम सिंपल आंसर हो गया, है ना बच्चों. इन केस ऑफ रेनी सीजन क्या बोलोगे, रेनी सीजन में द टेम्परेचर इज लेस, ड्यू टू दिस
the rate of evaporation is less. Due to this, drying will take longer time. सब लॉजिक लगाइए बच्चों, लॉजिक से काम बन जाता है. करेक्ट. अब नेक्स्ट देखिए, ह्यूमिडिटी. क्या है बच्चों? ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या बोलता है देखिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर पर यूनिट वॉल्यूम. आपको मालूम है बच्चों, हवा में भी वाटर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, सो दैट वाटर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ओके. रेनी सीजन में हवा में वाटर वेपर ज़्यादा रहते हैं बच्चों, और समर सीजन में हवा में वाटर वेपर कम होते हैं, बिकॉज हीट के वजह से द वाटर वेपोराइजेस एंड गोज टू द अपर एटमोसफियर, ऊपर चला जाता है हवा वाटर वेपर. ठीक है बच्चों. अब देखिए, और एयर वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक है, ध्यान दीजिए बच्चों. कमऑन कमऑन. द एयर कैन होल्ड वाटर वेपर अप टू ए डेफिनेट लिमिट. मतलब आप हवा में वाटर वेपर कुछ लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हो. उससे ज़्यादा वाटर वेपर अगर हवा में होगा, देन दैट वाटर वेपर शेड्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. तो यानी हवा में जो वाटर वेपर है, एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हैं बच्चों. करेक्ट. अगर आप ज़्यादा वाटर वेपर हवा में डालोगे, तो हवा उस वाटर वेपर को पकड़ नहीं पाएगा, एंड एज अ रिजल्ट दैट वाटर वेपर विल कम आउट ऑफ द एयर इन द फॉर्म ऑफ एयर ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. आया बच्चों समझ में बात? अब देखिए, जैसे कपड़ा है, मान लीजिए कपड़ा में आप कुछ लिमिट तक ही पानी को सोख सकते हो. अगर आप उससे ज़्यादा पानी कपड़ा में डालोगे तो क्या होगा? कपड़े से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, राइट? उसी तरह से एयर में भी बच्चों, एक लिमिट तक ही वाटर वेपर रह सकता है. उससे ज़्यादा वाटर वेपर इफ़ यू आर पुटिंग इन द एयर, देन दैट एक्स्ट्रा वाटर वेपर विल कम आउट ऑफ द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. ये याद रखिएगा. ठीक है बच्चों. ओके. अब देखिए आगे क्या लिखा है. दिस एक्स्ट्रा वाटर कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन द एयर एंड हेंस इज शेड ऑफ. देखिए, शेड ऑफ यानी कम्स आउट ऑफ द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. इट हैज बीन फाउंड दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी. इंपॉर्टेंट पॉइंट. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. व्हेन द ह्यूमिडिटी इज मोर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लेस. व्हेन द ह्यूमिडिटी इज लेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर. तो बच्चों ये याद रखिएगा, ह्यूमिडिटी अगर हाई है, आपका इवेपोरेशन कम. दिख रहा है स्क्रीन में? उल्टा, ह्यूमिडिटी अगर लो है, इवेपोरेशन हाई. यानी ये दोनों उल्टा. क्या है? उल्टा उल्टा. उल्टी नहीं बच्चों, उल्टा. यानी एक को कम करोगे बच्चों, दूसरा बढ़ जाएगा. अगर इसको बढ़ाओगे तो बेचारा ये कम हो जाएगा. ऐसा क्यों? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों. सी, ध्यान से, ह्यूमिडिटी हाई का मतलब क्या है बताइए? हवा में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है, सही है. व्हेन मोर वाटर वेपर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर, देन इवापोरेशन से जो वाटर वेपर पैदा होता है बच्चों, वो हवा के अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हवा में तो जगह है ही नहीं. एम आई राइट? सो जब वाटर वेपर जो इवापोरेशन से पैदा हुआ है, वो हवा के अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाएगा बच्चों, तो क्या होगा? द इवापोरेशन विल नॉट टेक प्लेस. चलिए मान लेते हैं कि एक 100 मॉलिक्यूल इवापोरेट होके हवा में गए, मान लो पानी से बच्चों, या तो कपड़ा से. मान लीजिए 100 वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होके हवा में चले गए, लेकिन अब ह्यूमिडिटी तो हाई है. ह्यूमिडिटी हाई मतलब हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर भरा पड़ा है. तो ये जो 100 वाटर वेपर हवा में गया है बच्चों, तो ये 100 वाटर वेपर को हवा में जगह नहीं मिलेगा. तो पता चला इसमें 20 वाटर वेपर को ही जगह मिला है. तो बाकी जो 80 वाटर मॉलिक्यूल है, वो वापस से कपड़े के ऊपर आ जाएगा. यानी इवापोरेशन कितना वाटर मॉलिक्यूल का हुआ है बच्चों?
केवल 20 वाटर मॉलिक्यूल का ही हुआ है। उड़ा तो 100 वाटर मॉलिक्यूल था, लेकिन जगह कितने का था? केवल 20 का था। तो बाकी जो 80 वाटर मॉलिक्यूल है वापस से कपड़े के ऊपर आ जाएंगे या तो पानी के ऊपर आ जाएंगे। तो यानी नेट इवापोरेशन इज ओनली 20 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसे ये समझ में आया कि अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो इवापोरेशन को तो लो होना पड़ेगा। बच्चों ये तो यही बात हो गई। अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी द बस इज फुल, ट्रेन इज फुल, तो जो पैसेंजर बाहर खड़े हैं बच्चों, तो उनको तो अंदर जाने के लिए दिक्कत होगा ना बच्चों। मान लीजिए बस फुल है, 10 पैसेंजर खड़े हैं, तो 10 का 10 तो बस के अंदर नहीं जा पाएंगे, केवल 2 या 3 पैसेंजर जा पाएंगे क्योंकि जगह तो कम है। तो यही होता है बच्चों। तो एयर को समझ जाइए बस, जो वाटर वेपर है उसको समझ जाइए पैसेंजर। जब ह्यूमिडिटी हाई है तो ऑलरेडी एयर में पैसेंजर भरे पड़े हैं, एयर में वाटर वेपर भरा पड़ा है, तो एक्स्ट्रा वाटर वेपर जो इवापोरेशन से पैदा होगा उसको एयर में डिफ्यूज होने में प्रॉब्लम होगी। इसके वजह से आपको जो इवापोरेशन है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आया समझे बच्चों? आप बताइए, ह्यूमिडिटी लो है इसका क्या मतलब हुआ? कम ऑन टेल मी। व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो मतलब एयर में वाटर वेपर की मात्रा कम है और बहुत जगह खाली है। इसका मतलब कि इवापोरेशन से जो वाटर मॉलिक्यूल पैदा हो रहा है, मान लीजिए 100 वाटर मॉलिक्यूल पैदा हो रहा है, तो वह 100 मॉलिक्यूल को ही एयर के अंदर जगह मिल जाएगा। एम आई राइट? एंड हेंस इवापोरेशन परफेक्टली हो रहा है, क्योंकि जितना वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहा है सब कुछ एयर के अंदर डिफ्यूज हो रहा है। सो हियर द वॉट इवापोरेशन इज परफेक्ट, सो वी कैन से दैट व्हेन द ह्यूमिडिटी इज लो इवापोरेशन इज हाई। ये है मेन कॉन्सेप्ट माई डियर स्टूडेंट्स। तब समझ गए चीज को कि जब भी ह्यूमिडिटी हाई, सिंपल लॉजिक याद रखिए, ह्यूमिडिटी हाई, हवा में जगह कम, तो इवापोरेशन से जो वाटर वेपर पैदा हुआ है वो हवा में डिफ्यूज ठीक से नहीं होगा, तो आपका इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। दूसरा बच्चों, व्हेनेवर द ह्यूमिडिटी इज लो, ओके, व्हाट विल यू से? द एयर हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, सो वॉट एवर वाटर वेपर हैज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इवापोरेशन, ऑल द वाटर वेपर कैन ईजिली डिफ्यूज इन टू द एयर एंड एज अ रिजल्ट योर इवापोरेशन विल बी परफेक्ट एंड मोर। तो ये बच्चों याद रखिएगा। तो यहाँ तक हमने आज आपको पढ़ा दिया है, ठीक है बच्चों? देखिए एक्सप्लेनेशन पर पढ़ लेते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। व्हेन द ह्यूमिडिटी इज मोर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज मोर ड्यू टू दिस वाटर वेपर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन फाइंड डिफिकल्ट टू डिफ्यूज इन टू द एयर। डिफ्यूज इन टू द एयर मतलब बच्चों एयर के अंदर घुसने में दिक्कत होगी, एंड दस इवापोरेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंट, दिस कॉजेस लेस इवापोरेशन। व्हेन ह्यूमिडिटी इज लेस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज लेस ड्यू टू दिस the water vapor produced by the process of evaporation easily diffuses into the air and this causes faster evaporation. note mein answer likha hai bachcho, same answer can be written for the drying of lake or drying of soil, due to drying the soil cracks are produced. to bachcho aapne dekha hoga summer ke time mein bhi aapka jo hai pani sookh jata hai lake mein ya to mitti sookh jata hai, तो ये सब फास्टर इवापोरेशन के वजह से ही होता है। बिकॉज ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर इज मोर, ड्यू टू मोर टेम्परेचर द इवापोरेशन इज मोर, एंड ड्यू टू मोर इवापोरेशन द लेक ड्राई फास्टर और द सॉइल डेवलप्स क्रैक ऑल्सो ऑन ड्राइंग। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग विंड स्पीड। बच्चों क्या पढ़ेंगे? विंड स्पीड। तो इतना नोट्स लिख के मुझे सेंड कर दीजिए और केवल कॉमन सेंस लगाइए बच्चों, मेरे बात को सुनिए और थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।